ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है हम। तो इसमें क्या है कि दोबारा देख लो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को कर रहा है, देन ए सी को भी ही करेगा। दैट इज सी इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए थ्रू बी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, दैट इज एम्प्लॉय, चार एट्रीब्यूट्स एक टेबल के, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ईमेल, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज क्या है कि जो एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं दी है, जो एम्प्लॉय नंबर है वो एम्प्लॉय ईमेल को फाइंड आउट कर सकता है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइंस एम्प्लॉय ईमेल, और जो एम्प्लॉय नंबर है वो डिपार्टमेंट नंबर को भी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइंस एम्प्लॉय ईमेल, ये एक डिपेंडेंसी होगी। दूसरी क्या दी हुई है यहाँ पे, जो एम्प्लॉय नंबर है वो डिपार्टमेंट नंबर को भी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। और एक डिपेंडेंसी और है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो किसको फाइंड आउट कर रहा है, डिपार्टमेंट नेम को। नाउ थ्रू द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है इन दोनों में से, इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें, दोनों डिपेंडेंसी को, वी कैन से दैट एम्प्लॉय नंबर कैन ऑल्सो डिटरमाइन डिपार्टमेंट नेम। यू कैन कंसिडर इट एज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो जो ए है वो सी को फाइंड आउट करेगा, डिटरमाइन करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, लाइक जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस होगी वो टीचर फॉलो करेगा। हम कह सकते हैं टीचर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा जो भी वो इंस्ट्रक्शन देगा, और जो स्टूडेंट है वो टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। नाउ कंसिडर इट एज ए, इट एज बी, इसको बी और ए सी हमारा, ठीक है। जो टीचर है वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, जो स्टूडेंट है वो टीचर की करेगा। इनडायरेक्टली वी कैन से जो स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो ये जो स्टूडेंट है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है प्रिंसिपल पे थ्रू टीचर, क्लियर।